हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 सीए जोन में। और यहाँ पे लगातार कई दिनों से यही चर्चा चल रही है कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, या कब होंगे, या पोस्टपोन हो जाएंगे, या आपको प्रमोट किया जाएगा। सो गाइस, और क्योंकि अभी कोरोना के केसेस भी काफ़ी इंक्रीज़ कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, काफ़ी लोग संक्रमित हो रहे हैं, कई लोगों की डेथ भी हो रही है। आप लोग को सुनने में भी आया होगा कि जो LU के कई प्रोफेसर हैं उनको अभी कोरोना वो पीड़ित हैं, और एक प्रोफेसर जो थे उनकी तो डेथ भी हो गई है। वो रिटायर्ड थे बट उनकी डेथ कोरोना की वजह से हुई है। सो गाइस, गंभीरता की बात है और इस चीज़ को गंभीरता से लेने की बात है। बहरहाल, अभी यहाँ पे जो डिसीजन आया है, जो मैंने आपको एक कल वीडियो बताई थी जिसमें बताया था कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होने चाहिए या फिर प्रोमोट किया जाना चाहिए, तो यहाँ पे एक न्यूज़ आई है, मैं आपको बता दूँ साफ साफ। जैसे जूम कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा है LU में 6 अप्रैल से होने वाली परीक्षा टली, और लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है जो कब होगी, तो इन्होंने बताया है, ये देखिए यहाँ पे देखिए बताया कि लखनऊ विश्वविद्यालय में 6 अप्रैल से आरंभ होने वाली परीक्षा को 11 अप्रैल तक टाल दिया गया है। मतलब अभी तक जो 6 अप्रैल और जो 7 अप्रैल, जो 8 और 9 और 10 ये जो पेपर थे इनको टाल दिया गया है, और अब ये पेपर जो है 11 से होंगे, वो भी ये एक्सपेक्टेड है होंगे या नहीं होंगे, ये ऐसा कुछ मैंडेटरी अभी नहीं बताया गया है। अभी आने वाले दिनों में नई नोटिसेज आएंगी, नई जो है स्कीम्स आएंगी, उन सभी से हम आपको अपडेट रखेंगे, तो वो अपडेट आप तक पहुंच सके इसलिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे, और चैनल से जुड़ जाइए, अभी सब्सक्राइब करिए। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इन्होंने बताया कि 11 अप्रैल के बाद ही कुछ जो होगा, वो अब 11 अप्रैल के बाद ही इन लोग का डिसीजन आएगा कि आपको वो जो है ये जो एग्ज़ाम होना है वो कब कराए जाएंगे, हो ठीक है, और या फिर पोस्टपोन किया जाएगा या प्रमोट किया जाएगा। तो वो अभी डिसीजन अभी एकदम सही तरीके से नहीं हुआ है, बस यही डिसीजन आया है कि 11 अप्रैल के बाद ही जो होगा वो 11 अप्रैल के बाद होगा। BPED, यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन एक है कि BPED और MPED और MED के जो है एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं, आप सभी को पता होगा, और नहीं पता है तो मैंने आपको नोटिस दे दिया है। आप सभी अपने रिलेटिव्स को या जो भी BPED या MED या MPED करना चाहते हैं उनको ये नोटिस दे दीजिएगा, या हमारी वीडियो शेयर कर दीजिएगा तो उनको पता चल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्नातक के भी, ग्रेजुएशन के भी फॉर्म आ चुके हैं, मैंने कई वीडियोज़ बना रखी हैं उस पर ऑलरेडी, तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने मेंशन कर दूंगा तो वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। सारी डिटेल्स बता रखी है मैंने, कैसे क्या करना है, किस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी आपके जो क्वेश्चंस हैं, वो क्वेरी हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर दीजिए, पूछ लीजिए, हम वहाँ पे तुरंत आंसर करेंगे, आपको रिप्लाई करेंगे और आपकी क्वेरी को सॉल्व करेंगे। गाइस, अभी यहाँ पे जैसे आपको कुछ पूछना है, जैसे कि LU से या एप्लीकेशन से रिलेटेड या फॉर्म से रिलेटेड, तो आप अभी मत करिएगा। यहाँ पे लिखा है कि हेल्पलाइन पर संपर्क करिए, ये जो कुछ नंबर दिए हैं कभी कभी लग जाते हैं, कभी कभी नहीं लगते हैं। सो गाइस, हम हैं आपके लिए, और आप हमसे पूछिए और हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे उस चीज़ का, आपकी जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व करेंगे, भले ही एक नंबर से हो चाहे ना हो, बट आप यहाँ पे भी ट्राई कर लीजिएगा एक बार। अगर नहीं होती है तो भी हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए, हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी बेल बटन दबाइए, और हमको जो भी आपकी क्वेरी है, क्वेश्चन है, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, हम आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे और आपकी क्वेरी को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे दिया है कि 10 मार्च से आवेदक फॉर्म से जुड़े प्रश्न पूछ सकते हैं, मतलब ये जो नंबर्स हैं ये 10 मार्च के बाद आपके पास अवेलेबल रहेंगे, बट हम तो आपके पास पिछले 1.5 साल से अवेलेबल हैं और आपसे जुड़े हुए हैं, और आपको लगातार कुछ ना कुछ अपडेट्स आती रहती हैं, जो भी उन सबसे अपडेट करते रहते हैं आप सबको। सो गाइस, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जितने ज़्यादा लोगों तक जाती है उतना ही हमको अच्छा लगता है, और मोटिवेशन मिलता है हमको नेक्स्ट टाइम के लिए कि हम और भी आपके लिए वीडियोस बना सकें। सो गाइस, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट, किसी नई इन्फॉर्मेशन, किसी नई नोटिस के साथ। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।